अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी टीचर मिस सोया। बेटा आज जो है मैं आपके साथ सेकंड लेक्चर में आपके साथ हूँ, ठीक है। हमारा सेकंड लेक्चर क्या है? हमारा सेकंड लेक्चर है प्रोनाउन के ऊपर, ठीक है। प्रोनाउन है और पेज नंबर है हमारा 16 आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, और जो आपकी वर्किंग है वो है आपकी पेज नंबर 17 और 18 पर, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे कि आपको इतना तो पता है कि नाउन क्या होते हैं, ठीक है। नाउन क्या होते हैं? नाउन होता है किसी का नाम, कोई जगह। नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब चीज़ें नाउन होती हैं। लेकिन अब प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, समझने को तो हम इसको बहुत तरीकों से समझ सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सिंपल और इजी जो तरीका है समझने का वो ये है कि आपने ये समझना है कि नाउन जो है, जो भी वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कि अली इज अ गुड बॉय। लिसन, आप लोग सब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, लिसन टू बी केयरफुली जो मैं आपको समझा रही हूँ। अली इज अ गुड बॉय। अब अली क्या है? ये आप सबको पता है कि अली जो है वो नाउन है, और प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एक नाउन है। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को, अली इज अ गुड बॉय को, हम प्रोनाउन में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम अली की जगह कर देंगे ही। He is a good boy. तो हमारा ही जो होगा वो होगा हमारा प्रोनाउन, ठीक है। सारा इज अ गुड गर्ल, तो सारा जो है वो क्या है? वो है नाउन। लेकिन जब हम सारा को प्रोनाउन में करेंगे तो हम कर देंगे शी, ठीक है। यानी अब प्रोनाउन में क्या होता है? प्रोनाउन में होता है ही, शी, दे, इट, आई, मी, देम, दे। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब जो है वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है बेटा। आई एम श्योर आपको ये सब समझ आ गया होगा, और बुक में क्या पेज नंबर 16 में भी है। अगर आप लास्ट में देखें तो इसमें है, हेयर आर सम प्रोनाउन दैट वी यूज ऑल द टाइम। इन्होंने कुछ ऐसे प्रोनाउन दिए हैं जो हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई, मी, वी, अस।